हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगर विकास न्यास पाली की ओर से लगभग 4,30,000 रुपए की लागत से कलेक्ट्रेट परिसर में बनने वाले मीडिया गैलरी का शिलान्यास जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा और नगर विकास न्यास अध्यक्ष संजय ओझा ने किया। पत्रकारों की सुविधा के लिए नगर विकास न्यास की ओर से पाली के दिवंगत पत्रकारों के नाम से यहां पर बगीचे और बैठने के लिए सेंट का निर्माण करवाया जा रहा है। इस कार्य के लिए नगर विकास न्यास पाली ने पत्रकारों की मांग के अनुरूप सोमवार से निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया। इस अवसर पर नगर विकास न्यास के सेक्रेटरी के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ विश्नोई व बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी मौजूद थे। मीडिया बंधुओं की लंबे समय से मांग थी कि कोई न कोई हमारे बैठने का स्थान बने, तो नगर विकास न्यास ने यह पहल की और अब मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ बैठने की व्यवस्थित जगह हो जाएगी। और अभी आज शिलान्यास करते हुए एक मांग की कि हमारे नाम से ये स्थान, तो वो भी मैं आज आपको कहता हूँ कि जो आप चाहोगे उस नाम से जब उद्घाटन होगा वो पत्थर उस नाम से अपन तैयार करके लगवाएंगे। मांगे पूरी हो गई? हाँ, जो भी आप जिसकी स्मृति में अपन चाहते हैं पत्रकारों की मांग के अनुसार ये काम पूरा होगा। और 4 लाख रुपए की लागत से अपन बहुत बड़ा एक सेट बना रहे हैं जिसमें आप सब लोग यह आराम से बैठकर मंत्रणा भी कर सकेंगे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।